हेलो एंड वेलकम अगेन। मैं हूं नेमत और आप देख रहे हैं नेमत खाना। दोस्तों, आज ये रेसिपी मैंने ख़ास तौर से बच्चों के लिए बनाई है। ये क्रेप की रेसिपी है, जिसे आम जबान में बोले तो ये छीली रोटी या छिलका जैसी कंसिस्टेंसी का है। बनाने में बहुत आसान है, टेस्ट में बेस्ट है। इसके लिए मैंने लगभग एक कप दूध लिया है, जिसमें 2 टेबल स्पून भर कर पिसी हुई चीनी डाला है, ताकि चीनी आसानी से घुल जाए। साथ में मैंने यहाँ पर 1 अंडे का इस्तेमाल किया है, जो कि इस रेसिपी का की इंग्रेडिएंट है। और इसे बहुत ही फ्लफी और हल्का बनाने के लिए ये ज़रूरी है। इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून चॉकलेट एसेंस का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो वेनिला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको इसमें देसी टेस्ट चाहिए तो 1 चुटकी जायफल घिसकर डाल लें। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम वेजिटेबल ऑयल का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट को इकट्ठा कर लिया है। अब एक बोल में हमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट इकट्ठा करने हैं, तो यहाँ पर मैंने 1 कप से थोड़ा कम मैदा लिया है और 1 चुटकी नमक लिया है। नमक डालने से इसकी मिठास खुल कर आती है। 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर हमने इस्तेमाल किया है। और ये इस तरह से बनाने से ही ज़्यादा फ्लफी होता है, यानी कि लिक्विड को आप ड्राई इंग्रेडिएंट के ऊपर डालें और फेंटें। अगर आप एक साथ एक एक आइटम डालते जाएंगे और फेंटते जाएंगे तो ये उतना फ्लफी नहीं बनेगा। इसकी कंसिस्टेंसी शहद से भी थोड़ा सा पतला होना चाहिए, तभी ये बहुत ही पतली पतली क्रेप्स आप बना पाएंगे। इसको बनाने के लिए नॉन स्टिक पैन का होना ज़रूरी है, या फिर आप कास्ट आयरन का थिक बॉटम पैन ले सकते हैं। उसके बगैर इसे उतना पतला नहीं बनाया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर बर्तन को घोलकर जो थोड़ा बहुत पानी था उसे भी डाल दिया है, और इसकी कंसिस्टेंसी हमने एडजस्ट की है। आप भी इसे ध्यान रखें। यहाँ पर हमने चॉकलेट एसेंस डाला है। इस एसेंस की वजह से अंडे की हमक दब जाती है, यानी उसका स्मेल आपको फिर बुरा नहीं लगेगा। एक तरफ मैंने बर्तन को गर्म करने के लिए रखा है, जो कि काफ़ी धुआंधार हो चुका है, लेकिन इतने गर्म तवे पर हम इसे नहीं बनाएंगे। इसे पहले ठंडा कर लेंगे, बस टच करने भर गर्म रहे। देखिए, अब इसकी गर्मी बिल्कुल सही है। और इस तरह से गर्म पैन में आप डालेंगे तो ही आपका क्रेप फैल कर पतला बनेगा, वरना गर्म तवे पर वह सिकुड़ कर रह जाएगा और जल्दी जल जाएगा। अब आप देखिए, ये कितनी आसानी से हमने इसे पलट लिया है और बस ये रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ से इसे थोड़ा सा गर्म करना है, और अब आप इसे फोल्ड कर दें और बर्तन पर निकाल लें। इसी तरह से सारे क्रेप्स को बना लेना है। और जब भी आप इसे बनाने का इरादा करें, घर में आइसक्रीम ज़रूर रखें, फ्रेश फ्रूट्स रखें, कई तरह के आप चॉकलेट सिरप वगैरह रखें, इस पर बहुत ही अच्छा लगता है। ख़ास तरह से कैरेमल सिरप इस पर बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप उसका इंतज़ाम ज़रूर रखें। बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा, चाहे आप उन्हें ब्रेकफास्ट में दें, इन बिटवीन द मील दें, या इवनिंग स्नैक्स के तौर पर दें, वो तो इसे बार बार खाना चाहेंगे। और खाएं भी क्यों ना, ये है ही इतना नरम, इतना मज़ेदार, इतना सॉफ्ट। तो इसे बनाएं, बच्चे तो क्या, बड़े भी इसे बहुत ही इंजॉय करेंगे। रोज़े में इसे आप इफ्तार में सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करके देखेंगे, और अगर पसंद आए तो अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है आज की रेसिपी को आपने एंजॉय किया होगा। तो ऐसी ही मज़े की रेसिपी के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।